कोलकाता पुलिस ने स्ट्रैंड रोड से जब्त किए 43 लाख रुपए। एंटी राउडी शाखा ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से कोलकाता में भारी मात्रा में रुपए बरामद किए गए हैं। कोलकाता पुलिस लगातार कार्रवाई कर शहर में आ रहे अवैध पैसों के खेप को रोकने लगी है। एक बार फिर से कोलकाता से 43 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विमल ओझा, अमर कुमार तिवारी और विमल कुमार दुबानी है। कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार सूत्रों ने बताया है कि स्ट्रैंड रोड इलाके में गिरफ्तार लोगों के पास से 2 बैग में 43,500 रुपए बरामद हुए हैं। पैसों की तस्करी कहां से की जा रही थी, इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। आपको बता दें, 24 घंटे पहले ही एसटीएफ ने 1.5 के नकली नोट के साथ रकीमुल शेख को गिरफ्तार किया था। सूत्रों ने बताया है कि स्ट्रैंड रोड पर 3 लोगों को संदिग्ध रूप से 2 बैग लेकर घूमते देखा गया। लाल बाजार की एंटी गैंग यूनिट के कुछ अधिकारियों ने जाकर उनसे पूछताछ की। पुलिस ने जब दोनों बैग खोलकर देखा तो दोनों बैग में नोट भरती थे। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से उस बैग में 500 रुपए के नोटों के बंडल थे। इसके अलावा कुछ 100 रुपए के नोट भी थे। कुल मिलाकर लगभग 43 लाख रुपए दोनों बैगों से बरामद किए गए हैं। भरे बाजार में इतने पैसे लेकर आरोपी कहां जा रहे थे, पुलिस इस बात की जानकारी में लगी हुई है। कोलकाता पुलिस की एंटी राउडी शाखा आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दोनों से जब्त हुए पैसे आखिर किसके हैं, यह पैसे किसको दिया जाएगा, ये तीनों लोग इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। पुलिस को उनके बयानों में कई विसंगतियां नजर आई। उनसे पूछताछ जारी है। ये पैसा कहां से मिला, इसकी जांच की जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि स्ट्रैंड रोड पर 3 लोगों को संदिग्ध रूप से 2 बैग लेकर घूमते देखा गया। लाल बाजार की एंटी गैंग यूनिट के कुछ अधिकारियों ने जाकर उनसे पूछताछ की। पुलिस ने जब दोनों बैग खोलकर देखा तो दोनों बैग में नोट भरती थे। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से उस बैग में 500 रुपए के नोटों के बंडल थे। इसके अलावा कुछ 100 रुपए के नोट भी थे। कुल मिलाकर लगभग 43 लाख रुपए दोनों बैगों से बरामद किए गए हैं। भरे बाजार में इतने पैसे लेकर आरोपी कहां जा रहे थे, पुलिस इस बात की जानकारी में लगी हुई है। कोलकाता पुलिस की एंटी राउडी शाखा आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दोनों से जब्त हुए पैसे आखिर किसके हैं, यह पैसे किसको दिया जाएगा, ये तीनों लोग इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। पुलिस को उनके बयानों में कई विसंगतियां नजर आई। उनसे पूछताछ जारी है। ये पैसा कहां से मिला, इसकी जांच की जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि स्ट्रैंड रोड पर 3 लोगों को संदिग्ध रूप से 2 बैग लेकर घूमते देखा गया। लाल बाजार की एंटी गैंग यूनिट के कुछ अधिकारियों ने जाकर उनसे पूछताछ की। पुलिस ने जब दोनों बैग खोलकर देखा तो दोनों बैग में नोट भरती थे। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से उस बैग में 500 रुपए के नोटों के बंडल थे। इसके अलावा कुछ 100 रुपए के नोट भी थे। कुल मिलाकर लगभग 43 लाख रुपए दोनों बैगों से बरामद किए गए हैं। भरे बाजार में इतने पैसे लेकर आरोपी कहां जा रहे थे, पुलिस इस बात की जानकारी में लगी हुई है। कोलकाता पुलिस की एंटी राउडी शाखा आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दोनों से जब्त हुए पैसे आखिर किसके हैं, यह पैसे किसको दिया जाएगा, ये तीनों लोग इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। पुलिस को उनके बयानों में कई विसंगतियां नजर आई। उनसे पूछताछ जारी है। ये पैसा कहां से मिला, इसकी जांच की जा रही है।